भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे को लेकर हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी ने कहा कि जेपी नड्डा हरियाणा में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वीरवार रात को वह पंचकुला में भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले और शनिवार को वो पंचकुला में ही एक रोड शो में भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भाजपा देश भर में तैयारी में जुट गई है और तीसरी बार भी देश में भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस दो गुटों में बढ़ चुकी है, एक गुट एक तरफ जाता है तो दूसरा गुट दूसरी तरफ जाता है। जिस तरह से शोले फिल्म में अभिनेता असरानी जेलर के रोल में कहते हैं कि आधे लोग इधर जाओ और आधे लोग उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ, कांग्रेस की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई है। नायाब सैनी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। अब फिर से वह वैसी यात्रा करने जा रहे हैं। हमें तो कहते हैं कि उन्हें यात्राएं करनी चाहिए, इससे हमें ही फायदा होगा। सर, आज जेपी नड्डा जी हरियाणा के प्रवास पर है, पंचकुला पहुंचे, आपके आवास पर आए, सर मुलाकात हुई और अब पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करने वाले, क्या कहेंगे सर? देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तीन प्रदेशों की जीत के पश्चात हरियाणा की भूमि के ऊपर पहली बार पधारे हैं और सभी कार्यकर्ता पलक पांवड़े बिछा करके उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। अभी मेरे निवास स्थान पर आए थे, मैं उनका शुक्रिया करता हूं कि एक कार्यकर्ता के घर पर आकर के अपना सेह अपना आशीर्वाद दिया। और जो आने वाले वर्ष 2024 है उसके बारे में जो उन्होंने कहा कि आने वाला वर्ष 2024 एक बहुत बड़ा संदेश लेकर के आने वाला है, बहुत भारी जीत लोकसभा चुनाव के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली है। यहाँ परसों पंचकुला के अंदर एक बहुत बड़ा भव्य रोड शो आदरणीय नड्डा जी करने वाले हैं और ये आप कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहे हैं कि रात इतनी ठंड के अंदर भी कार्यकर्ता उनके इंतजार में, उनके आगमन के इंतजार में, उनके स्वागत के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनके हरियाणा में आने से हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, विशेष तौर पर जिला पंचकुला के कार्यकर्ताओं में अति उत्साहवर्धन होगा और दुगनी ताकत के साथ वर्ष 2024 के, चाहे वो लोकसभा चुनाव है चाहे विधानसभा के चुनाव है, इनमें कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।